प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय यीशु। प्रियजनों, पवित्र मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारियों का दूसरा दिन में आप सबको स्वागत है। आइए एक पवित्र वचन सीखते हुए हम शुरू करेंगे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38। मरियम कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। पिता परमेश्वर अपने संदेश स्वर्गदूत गैब्रियल के द्वारा कुवारी मरियम के पास भेजता है, तब मरियम उत्तर में ये शब्द कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रियजनों, संत जॉन पॉल द्वितीय बड़े मरिय भक्त थे। उनका जन्म मई महीने में हुआ था। उन दिनों में मई महीना में गिरजाघरों से मां मरियम के आदर में भक्ति गीत बजाया करते थे और जॉन पॉल के मम्मी को ये बड़े इच्छा थी, उनके आग्रह था कि उनके शिशु के जन्म होते वक्त पहले क्षण मां मरियम के गीत उनके कानों में पड़े और सचमुच उस शिशु को इस प्रकार गीत के द्वारा मां मरियम का शब्द उनको सुनाई पड़ा। प्रियजनों, संत जॉन पॉल के माता पिताओं का स्वर्गवास बचपन में ही हुआ था, लेकिन बड़े मरिया भक्ति रखते हुए वो बढ़ते चला। समय के साथ साथ वो बढ़ गया और उन दिनों में जब उनकी युवक अवस्था में युद्ध का समय था, तो सब जवान बच्चों को, लड़कों को युद्ध में मदद करने के लिए सैनिक बनने के लिए भर्ती होना जरूरी था, लेकिन उसमें भर्ती नहीं होने के कारण एक बार जॉन पॉल को सैनिक लोग मार पीट कर रास्ता में छोड़ जाते हैं। उस वक्त एक स्त्री अचानक आकर जॉन पॉल के सिर को अपने गोद में रखते हुए उन्हें सांत्वना देती है। घाव बड़े ज्यादा होने के कारण जॉन पॉल बेहोश हो जाते हैं और उसके दौरान जब बाद में होश में आते हैं तो उनके साथ ही कर जो लोग उनसे पूछते हैं कि वो स्त्री कौन थी जिसने आपको संभाला है, लेकिन जॉन पॉल को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं था। प्रियजनों, समय बढ़ते चला और जॉन पॉल ने पढ़ाई के दौरान एक पुरोहित बनने में सफलता प्राप्त हुई। प्रथम मिसा बलिदान के समय उस स्त्री के चेहरा मां मरियम के रूप में जॉन पॉल को दिखाई दिया और वे बड़े अजंबे में पड़ते हुए इस प्रकार कहने लगे कि तो तूस, हे मरियम मेरी माँ, मैं संपूर्ण रूप से आपका हूँ। तो तूस जो लतीनी शब्द है जिसका मतलब मैं संपूर्ण रूप से आपका हूँ, समर्पण का मतलब है। हे मरियम मेरी माँ, मैं संपूर्ण रूप से आपका हूँ। प्रियजनों, कुवारी मरियम ने भी इसी प्रकार समर्पण किया, देखे मैं प्रभु की दासी हूँ। और संत जॉन पॉल आगे भी हमेशा मां मरियम से प्यार किया करते थे और उनका भक्त रहा। प्रियजनों, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 36 में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने पिता के समक्ष कैसे समर्पण किया। पवित्र वचन कहते हैं, मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। यह कहते हुए प्रभु यीशु पिता के समक्ष सब कुछ समर्पण करते हैं, मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रियजनों, आइए हम भी मां मरियम की ओर समर्पण करें, यीशु की ओर समर्पण करें, पिता परमेश्वर की ओर समर्पण करें।
समर्पण का मतलब है कि अपने हृदय को उनके हृदय के साथ दूसरे हृदय के साथ संपूर्ण रूप से जोड़ देना है। इस प्रकार जो हमारा है वो सब उनका बन जाता है। जब हम माँ मरियम की ओर हम समर्पण करेंगे, हमारा जो कुछ भी है वो सब कुछ माँ मरियम का हो जाता है, और माँ मरियम उसे अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की ओर बढ़ाएंगे और पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे। आइए मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को, अपने परिवार को, अपनी समस्याओं को माँ मरियम की ओर समर्पण करें। कल हमने माँ मरियम का उपस्थिति के बारे में सीख लिया था। आइए माँ मरियम को अपने घरों में बुलाते हुए, अपने जीवन में बुलाते हुए उनकी ओर हम संपूर्ण समर्पण करें, जिस तरह संत जॉन पॉल द्वितीय ने किया उसी प्रकार, जिस तरह माँ मरियम ने किया उसी प्रकार आइए हम भी अपने आप को संपूर्ण रूप से माँ मरियम की ओर कहें। और ये प्रार्थना हमेशा जपते रहे, हो सके तो हमेशा जपे, हे मरियम मेरी माँ, मैं संपूर्ण रूप से आपका हूँ, तो दोस्त संपूर्ण रूप से मैं आपका हूँ। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय यीशु।